Assalamualaikum, कैसा हाल हुआ यार बेबी? तो गाइस, लाइक दो दिन पहले मैं जब सुबह सुबह उठा तो मुझे इंस्टाग्राम पे 11-12 मैसेजेस आए हुए थे। तो मैंने पहला मैसेज पढ़ा तो उसके अंदर जो है ना लिखा हुआ था कि जो है भाई आपको पता है कि BTS इज कमिंग टू सऊदी अरेबिया। सो लाइक क्या मजाक कर रहे हैं। खैर, दूसरा तीसरा मैसेज पढ़ा तो सबके अंदर तीन लोगों ने मुझे और बताया था कि भाई जो है ना BTS सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, इज इट राइट और नो? तो आई वाज लाइक रियली वेरी शॉक और लाइक काफ़ी खुशी भी हुई कि वाओ दैट्स रियली कूल बिकॉज एज अ फर्स्ट टाइम दे गोना गो टू सऊदी अरेबिया। सो मैंने भी नेट के ऊपर सर्च किया और गाइस वाकई लाइक इट्स सम ग्रेट न्यूज फॉर ऑल द BTS फैंस हु आर लिविंग इन सऊदी अरेबिया कि BTS जो है ना अक्टूबर में एज पार्ट ऑफ देयर यू नो लव योर सेल्फ एंड स्पीक योर सेल्फ वर्ल्ड टूर दे गोना कम टू सऊदी अरेबिया इन रियाद किंग फाद जो इंटरनेशनल स्टेडियम है तो वहाँ पे आ रहे हैं और दैट्स रियली रियली अमेजिंग यार। आई विश के पाकिस्तानियों को ना सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा भी होता और हम लोग वहाँ पे जाके एटलीस्ट अटेंड कर सकते हैं। एनीवेज सऊदी ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वहाँ पे। इससे पहले सुपर जूनियर आए थे, जद्दा के अंदर आए थे इन 2000 आई डोंट नो लास्ट ईयर आए थे मे बी एंड BTS दुबई गए थे इन 2016। तो खैर राइट नाउ आई गेस इट्स वेरी वेरी कूल थिंग। और दूसरी चीज़ आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, लास्ट टाइम लाइव इन 2016 जब इन्होंने BTS वालों ने UAE में परफॉर्म किया था तो जो टिकट्स थे इतने जल्दी सोल्ड आउट हो गए थे कि जो वेबसाइट थी ना दैट वाज इवन क्रैश्ड, वो क्रैश कर गई थी कि इतने ज़्यादा लोगों ने एट द सेम टाइम लॉग इन किया था वहाँ पे टू बाय द टिकट्स। तो अभी भी मेरे ख्याल में सऊदी अरब का हाल भी यही होगा कि जब जो है ना BTS वाले वहाँ पे कंसर्ट से पहले जब टिकट्स ओपन होंगी तो आई एम श्योर इट्स गोना बी ओवर क्राउड लाइक ओवर बुक्ड बेसिकली। सब लोग जो है ना अप्लाई करना चाहेंगे टू गेट द टिकट। आप जो है ना वहाँ पे जाके क्या नाम है एक तो मुझे हंसी आई थी जो लोग देखते हैं। एनीवे गाइस, लाइक वन ऑफ द थिंग आई रियली वांटेड टू से कि ऑफ कोर्स BTS की जो आर्मी है वो सऊदी अरब में भी है, इनकी फैन फॉलोइंग वहाँ में भी होगी, बट आई एम 100% श्योर कि जो आर्मी जो है पाकिस्तान में है दैट्स लाइक मच मच बिगर देन सऊदी अरेबियन आर्मी। पाकिस्तान के अंदर BTS के बहुत ज़्यादा फैंस हैं तो यार अगर सऊदी अरब जा सकते हैं तो डेफिनेटली BTS कैन कम टू पाकिस्तान। लेकिन यू नो सऊदी अरब की उनकी जो एम्बेसी है और उनके अलावा जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट है लाइक उनके और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, दे ऑल वर्क टुगेदर और उन्होंने जो है ना दे मेड इट पॉसिबल। वो लाइक खुद से तो नहीं ना BTS लाइक जस्ट गो एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग अदर कंट्रीज, लाइक दे आर इन्वाइटेड बाई सम पीपल, तो उन्हें इन्वाइट किया होगा काफ़ी लोगों ने एंड दैट्स वाई दे गो दे एंड अप यू नो गोइंग टू सऊदी अरेबिया। अभी पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि लाइक वी ऑल वांट के पाकिस्तान में भी आएँ जो है ना BTS पाकिस्तान के अंदर भी आएँ, तो व्हाट वी कैन डू यू नो कि इंशाल्लाह स्लोली वी विल स्टार्ट अ कैंपेन। हम जो है ना मैं चाह रहा हूँ यार कि कैंपेन स्टार्ट हो कि लाइक ब्रिंग BTS टू पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह स्लोली स्लोली वी विल मेक दैट हैपन और हम दैट वी विल गोना अचीव दैट ड्रीम। तो अभी तो फॉर नाउ लाइक लेट्स सी लेट्स होप कि यार इनके जो है ना BTS का टूर जो है ना वर्ल्ड टूर काफ़ी अमेजिंग रहे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मज़े की बात पाकिस्तान के अंदर भी उनकी मूवी रिलीज़ हो रही है और उसके बारे में वीडियो जल्दी बनाऊंगा। खैर इंशाल्लाह वेयरएवर यू आर आर्मी और इधर यू आर एक्सोल और ब्लिंक्स एवरीवन लाइक स्टे हैप्पी और कीप वर्किंग और कीप लिसनिंग द K-pop। तो कोई कमेंट हो BTS के टूर के बारे में तो लाजमी बताइएगा। टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज़।